नया IBN 7 हौसला है। ये जो तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। छात्रों के दो गुट, वाम दलों का स्टूडेंट्स विंग आईसा और बीजेपी का एबीवीपी, ये दोनों आपस में भिड़ गए और ये देखिए किस तरह से वहां एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के आर्ट फैकल्टी के आगे ये मारपीट हुई। देखिए कैंपस के अंदर लाठी और डंडे चल रहे हैं। छात्र संगठनों के दो गुटों में हुई झड़प में चार छात्र घायल हो गए। आयशा का आरोप यह है कि वो गुरुवार दिल्ली विश्वविद्यालय में लाए जा रहे कोर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CCBCS का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान ABVP के छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन ABVP का आरोप यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया को लेकर वो छात्रों की मदद कर रहे थे और इसी दौरान आयशा के छात्र वहां पहुंचे और ABVP के छात्रों की उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। कुल मिलाकर इस मामले में चार छात्रों के घायल होने की खबर है और पुलिस आयशा और ABVP दोनों के छात्रों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। नमस्कार, देश दिन भर में आगे हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राहुल गांधी आज NSUI के कार्यक्रम में गए और वहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा हमला बोला। साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जो टकराव है वो अब अदालत तक जा पहुंचा है। दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पास गई है और केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और दोनों अपने अपने अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एक अलगाववादी से ही कहा है कि जांच कराई जानी चाहिए कि हाल ही में सोपोर में जो लोग मारे गए हैं और मोबाइल टावर, इनका क्या रिश्ता है और इन्हें किसने मारा है। महोबा में एक पिता ने बेटी और दामाद की क्यों हत्या की, ये भी आपको बताएंगे। अमिताभ बच्चन की एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर क्यों विवाद हो गया है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का क्यों नोटिस उन्हें मिला है, इस पर हम बात करेंगे। और मैसूर को नया राजा मिल गया है, उनका राज्याभिषेक भी आपको इसी कार्यक्रम में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि दो मॉडल मुंबई में थाने में आखिर कर क्या रही थी। मुंबई में ये मामला सामने आया है जो आपके स्क्रीन पर है, आपको हैरत में डाल देगा ये मामला। मुंबई के DN नगर पुलिस थाने की CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें दो मॉडल्स पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं और महिला पुलिस कर्मियों के बाल पकड़कर खींच रही हैं। ये दोनों मॉडल पूजा मिश्रा और श्रुति गुप्ता शराब के नशे में चूर थी और जब इन्हें थाने लाया गया तो इन्होंने पुलिस वालों के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। ये घटना रविवार रात की है जब अंधेरी वेस्टलिंक रोड पर दोनों मॉडल्स के साथ ऑडी कार में सवार दो लड़कों ने अश्लील कमेंट करने शुरू कर दिए। मॉडल ने जब लड़कों को डांटा तो पुलिस पेट्रोल वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर कार सवार भाग गए। मॉडल्स का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर दोनों लड़कों को भागने में मदद की। हम पुलिस वाले और इज्जत कहाँ गई? Don't make your faces. Do not make faces. अरे आपको औरत भी काली बन सकती है और औरत ही काली बनती है, समझे? और औरत ही काली बनती है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? नीचे तो ऊपर तक ऐसे क्या घूर रहे हो? शिरसेना सर ना फोन करो मैडम, शिरसेना को फोन करो, किसी को भी फोन करो। I do not care. Are you giving your complaint? No, that the guy is not even here. I want the fourth we want person. The, we want the. Oh, complaint होने के बाद inquiry करेंगे. उसके बाद हम CCTV check करेंगे. Oh, complaint होने के बाद. कौन सी चीज़ लूँगा इसे? कौन सी? वो हमारे काम में है. हमें दिखाइए. हमें दिखाइए. Complaint देंगे. हमने. हमें दिखाइए CCTV footage. I am a
ये जो दोनों मॉडल्स आप देख रहे थे इन दोनों की जो हरकतें हैं ये 45 मिनट तक चलती रहीं और मुंबई के इस थाने में ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। दोनों मॉडल्स के खिलाफ केस बुक कर दिया गया है। और अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली के हक की लड़ाई का फैसला अब लगता है कोर्ट के अंदर होगा। दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट चली गई है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों ने अपने अपने अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से नोटिफिकेशन को संदिग्ध करार दिए जाने को चुनौती दी है, जबकि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में केंद्र का नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। उनका नोटिफिकेशन जो है हाईकोर्ट ने रद्द किया है और वो नोटिफिकेशन रद्द किया है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को सुने हुए, तो नेचुरल जस्टिस का इसमें पूरा वायलेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए था उनके नोटिफिकेशन को रद्द करने से पहले। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी विवाद के मसले पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को एक के बाद एक कई मुलाकातें की। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक लंबे समय से की जा रही है। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर कई कानूनी पेचीदगी है। दिल्ली में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर किया और साथ ही साथ आरएसएस पर भी सीधा हमला बोला। राहुल गांधी जब एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोलने आए तो वहां लोगों का जोश खरोश देखकर बड़े खुश थे। आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संघ में अनुशासन के नाम पर तानाशाही चलती है। आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है, बिल्कुल यूं। उसमें किसी बंदे ने चू कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा दी जाती है। एक विचारधारा, अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं। हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। राहुल के भाषण पर जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां पीटी, वहीं आरएसएस ने इसका जवाब सिर्फ एक ट्वीट के जरिए दिया है। और आरएसएस ने ट्वीट में कहा है कि राहुल का बयान उनकी हताशा दिखाता है। राहुल आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते, हर वर्ग में संघ की लोकप्रियता बढ़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली में थी और वहां जैसे ही वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, कई किसान वहां पर आ गए और उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अभी तक राहत राशि नहीं मिली है। इसके बाद सोनिया गांधी ने किसानों को चेक बांटा। इसी बीच सोनिया कई किसानों के घर भी गई हैं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। और दिल्ली के ओखला इलाके से खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि पुलिस की लापरवाही के बाद एक शख्स की मौत हो गई, जिसके कारण लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इन लोगों ने ओखला क्राउन प्लाजा चौराहे पर जाम लगा दिया है। इस दौरान चौराहे पर कई गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। कई घंटों तक लोगों ने हंगामा बरपाए रखा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन घंटों तक पुलिस और पब्लिक के बीच हंगामा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चलता रहा। हंगामे के बाद शाम को लोग थाने पर इकट्ठा हुए और फिर जमकर बवाल किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस घटना में स्थानीय लोगों के साथ साथ कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। लोगों का ये कहना था कि जो आरोपी पुलिस वाला है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। कल रात दिल्ली पुलिस से जान बचाकर भाग रहे एक ट्यूटर की डंपर के नीचे आकर मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने ओखला थाने पर जमकर हंगामा किया था, पत्थर फेंके थे। आरोप यह है कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने भी लाठियां बरसाई थी। पुलिस ट्यूटर जगन्नाथ झा और उसके पिता का अपहरण के आरोप में उसको थाने लाई थी। आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ट्यूटर को पीट रही थी और तभी वहां से भाग निकला था। ये, उदा, उदा, उदा।
मुंबई में शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरीन ड्राइव लाइट, मेट्रो और जैतापुर पावर प्रोजेक्ट के बाद सफाई के मुद्दे पर अब ये दोनों दल एक बार फिर आमने सामने हैं। कहने को तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की साझा सरकार चल रही है, लेकिन दोनों दलों में आए दिन भिड़ंत की खबरें चर्चा में रहती हैं। इस बार मुंबई में नालों की साफ सफाई टकराव की वजह बनी है। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना ने नाले की सफाई का काम ठीक से नहीं किया है। कंत्राटदाराने केलेला काम समाधानकारक आहे असं म्हणण्याची स्थिती नाहीये आणि त्यामुळे कुठल्या वजन काट्यावर माल नेला त्या वजन काट्याचं नाव सांगितलं जातं, नंबर सांगितला जातो। वही शिवसेना ने बीजेपी के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया है कि नाले की सफाई का काम 65% तक पूरा हो चुका है। आणि काम आज जर पाहिलं तर 60-65% झालेलं काम दिसतंय आणि 31 मे पर्यंत पूर्ण होणार आहे। देश दिन भर में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्यों यासीन मलिक ये मांग उठा रहा है कि एक आतंकवादी इस बात की जांच करे कि सोपोर में क्यों लोगों की हत्या की गई है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर कोई अलगाववादी नेता भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखता है और ये कहता है कि एक आतंकी हमले की जांच आतंकवादी से करानी चाहिए, वो भी ऐसे आतंकवादी से जो कि पाकिस्तान परस्त है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यासीन मलिक ने यह बयान दिया है और जम्मू कश्मीर की सरकार उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। यह है अलगाववादी नेता और JKLF प्रमुख यासीन मलिक। हाल के दिनों में मोबाइल टावरों पर हुए आतंकी हमलों की जांच के लिए वो किसी और से नहीं बल्कि एक आतंकवादी से जांच की गुहार कर रहे हैं। आई कैन नॉट सजेस्ट गवर्नमेंट बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू द हेड ऑफ द, क्योंकि उन्होंने भी बयान दिया है सईद सलाउद्दीन साहब ने, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको एक कमेटी बनानी चाहिए टू इन्वेस्टिगेट। यासीन मलिक जिस शख्स से मोबाइल टावरों पर हो रहे आतंकी हमलों की जांच की गुहार कर रहे हैं वो कोई और नहीं हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन है। वो शख्स जो देश के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, वो शख्स जो 2011 के दिल्ली हाईकोर्ट धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यासीन मलिक के इस बयान के बाद सूबे की सरकार पर निशाना साधा जाने लगा है। इसके बाद इस पर PDP और BJP की चुप्पी टूटी। I will very clearly say that there are some self-styled statements by self-styled leaders for asking self-styled. तो ये बाज़ाब्ता मतलब pick and choose हो रहा है statements पे ताकि to gain some media attention. There is nothing serious about these statements. देश दिन भर के बाद देखिएगा बेईमानी की किक, लेकिन चलते चलते इसी कार्यक्रम में आपको मिलाते हैं मैसूर के नए राजा से। ये मैसूर के 27वें राजा हैं। इनका नाम है युद्धवीर वाडियार, उम्र सिर्फ 23 साल और पढ़ाई की है अमेरिका में मैसाचुसेट्स। मैसूर राजघराने के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज नए राजा युद्धवीर वाडियार का 27वें महाराजा के रूप में राज तिलक हुआ है। 23 साल के युद्धवीर अमेरिका में पढ़ाई करके लौटे हैं। यह एक निजी समारोह था जिसमें 40 पंडितों के अलावा शाही परिवार के 1200 सदस्य और राजमहल के कर्मचारी शामिल हुए। रजवाड़े तो खत्म हो गए लेकिन कई राज परिवार अब भी अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इस साल मैसूर दशहरा की अगुवाई यदुवीर करेंगे और साथ साथ कर्नाटक सरकार के साथ लंबे समय से चल रहे राज परिवार की संपत्ति विवाद की कानूनी लड़ाई भी उन्हीं की देखरेख में होगी। भले ही अब शासन चलाने में राजवंशों की कोई भूमिका न बची हो, लेकिन अब भी मैसूर वासी महल में होने वाली गतिविधियों पर चाव से नजर रखते हैं। मैसूर राजवंश में पिछला राज तिलक 1974 में उनके चाचा श्रीकांत दत्ता नरसिम्हा राजा वाडियार का हुआ था, जिनकी 2013 में मौत हो गई थी।